हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वैसे तो हालत खराब ही होगी क्योंकि पेपर आने वाला है। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि लास्ट के 15 दिनों में क्या करना चाहिए, कि मतलब रिवीजन करना चाहिए। मेन तो फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेन पेपर देंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से ही करते हैं कि आपको पेपर कैसे देना है और आप पेपर में किस किस तरीके से, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को फॉलो, पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो सब कुछ आप टेस्ट सीरीज से सीखते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप ना अलग अलग तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए। जैसे कि पहले 1 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, फिर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ये कौन सी चीज आपको ज्यादा सुटेबल हो रही है, पहले इस तरह सुटेबल हो रही है या पहले एप्टी सोल्व करना है या पहले टेक्निकल सोल्व करना है। ये सब सब अलग अलग तरीके से आप अपने हिसाब से करके देखिए कि आपको क्या चीज मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि जिस तरीके से आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ना, उस तरीके से आप पेपर को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, गेट में हम लोगों का मेन फोकस ये है कि हम लोगों के क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए ज्यादा, और ज्यादा करेक्ट होने चाहिए क्वेश्चन। दो दो चीजें हैं, एक तो क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट होने चाहिए, दूसरी चीज है कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं है क्योंकि सारे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, हर पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लो, मीडियम और डिफिकल्ट। ठीक है, नहीं मतलब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। अब इजी क्वेश्चंस हर पेपर में करीब करीब 50% वेटेज रखते हैं, 50% क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 30% आते हैं मीडियम और 20% आते हैं हार्ड। ये 3 सीक्वेंस में आते हैं। अब आपको रैंक चाहिए, रैंक आपको चाहिए अच्छी, तो उसमें हम लोगों को मेन फोकस हार्ड क्वेश्चन पे नहीं चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सेम 2 मार्क्स का होगा और इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन भी सेम 2 मार्क्स का होगा। तो हम क्यों फालतू में डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? हमें तो मेन फोकस होना चाहिए कि हमारे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को इजी और मीडियम, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो हमें अच्छे से करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों क्वेश्चन सेक्शंस में हम लोग जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% होनी चाहिए, कि हमने जो भी अटेम्प्ट किया है ना वो बिल्कुल ठीक है, या थोड़ी कम हो गई तो वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि इन दोनों सेक्शन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए और सबसे ज्यादा मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल ठीक होने चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी बंदा एग्जाम देगा इजी क्वेश्चन वो टफ ठीक करके आएगा, ठीक है, नहीं मीडियम क्वेश्चन कुछ ठीक करेगा कुछ बेकार करेगा। अगर आपको दूसरों से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, दूसरों से अच्छी रैंक लेके आनी है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, कि मतलब आपके पास एक यही ऑप्शन बचता है कि आप ना इजी और मीडियम इन दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक है, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मैं फॉलो किया करता था। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं क्या करता था कि पूरा का पेपर ना, पहले पहले मैं तो टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट करता था, एप्टी से कभी स्टार्ट नहीं करता था, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन काफी ये होता है कि लॉजिकल होता है और देखते ही टिक लगते हैं, कभी कभार एप्टी टफ आ जाता है तो वो आपका दिमाग खराब कर सकता है। मान लीजिए आपने एप्टी स्टार्ट करना स्टार्ट किया, एप्टी करना स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन किया नहीं सोल्व हुआ, एप्टी है चांसेस हैं हो सकता है ना सोल्व हो, दूसरा किया नहीं हुआ, ये आपको दिमाग खराब करता है, आपको डिमोरलाइज करता है। आप ये देखते हो कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मैं जो करता था वो ये था कि मैं टेक्निकल लेके चलता था, क्योंकि मुझे पता था टेक्निकल में 2 ही ऑप्शन होते हैं, अगर आता होगा डायरेक्ट टिक लगेगा, नहीं आता होगा तो बाद में आके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते, मैं जो करता था वो ये करता था कि पहले हम मैं क्या करता था, पूरा पेपर रीड करना स्टार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन से, आराम से रीड करना स्टार्ट किया, क्योंकि इजी क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं इजी में कि आप देखते ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपका टिक लगता है और आपका आंसर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, पहले रीड करना स्टार्ट करता था और मार्क करना स्टार्ट करता था, मतलब कि जैसे पहला क्वेश्चन देखा, हाँ ये आसान है, ओके, पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया, अपना टिक मारा, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं यार थोड़ा टाइम लेगा ये, तो मैं उसको मार्क कर देता था कि नेक्स्ट राउंड में जब मैं वापस आऊंगा सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तब मैं यहाँ आऊंगा, इस क्वेश्चन पे आऊंगा। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते थे मुझे देख के कि नहीं यार ये बहुत टाइम लेगा, ये टफ क्वेश्चन है, मैं उसे रहने देता था कि ये तो बाद का क्वेश्चन है। पहले समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले इजी देख लेता था, फिर मीडियम देखता था, फिर डिफिकल्ट देखता था, तो इस तरह होता था। अब बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप ये समझिए, आप अपना टाइम बचा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम आप किसी क्वेश्चन में बाद में वेस्ट कर सकते थे ना, वो आप पहले ही उसको शॉर्टलिस्ट करके अलग कर ले रहे हैं कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मान लीजिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ओके ये क्वेश्चन है ठीक है, आपने उसमें टाइम वेस्ट करना स्टार्ट किया,
हो सकता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि चलिए मैं इसमें दो मिनट लगाता हूँ फिर बाद में आके सबकी तरफ आऊंगा, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप उसमें 2 मिनट लगा देते हैं ना, आप 2 मिनट और लगाएंगे कि यार जब इतना टाइम लगा दिया है ना इसे सोल्व करूंगा। 2 के भी 4 के 8 मिनट होते हैं, इस तरह आपको दिखाई देगा कि 10 मिनट हो गए, वो क्वेश्चन फिर भी बहुत बार सोल्व नहीं होता। फिर क्या होता है यार 10 मिनट खत्म हो गए, क्वेश्चन सोल्व नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, लेकिन वो 10 मिनट का जो आपने वेस्ट किया है वो बर्डन ना आपका इजी क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर दिखाई देगा टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, मेरे को ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे इजी क्वेश्चन भी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली शायद गलत करके आ जाए, गलत मार्क करके आएंगे, इससे आपके रैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले पढ़िए आराम से, ओके ये वाला क्वेश्चन आसान है क्योंकि स्टार्टिंग में आप पे टाइम की कोई फाउंडेशन नहीं होती, आप आराम से पढ़ रहे हैं तो इजी क्वेश्चन 100% चांस है आप ठीक कर देंगे। क्यों? क्वेश्चन पढ़ा, ओके हाँ इसके अंदर ये था ये ठीक है, ओके ये था ये ठीक है, इस तरह करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपने जब पूरा एक बार आइटरेट ले लिया, पूरा ले लिया, आप देखेंगे कि आप ऑलमोस्ट 45% क्वेश्चन कर चुके हैं क्योंकि मैं आसान क्वेश्चन होते हैं, आप एक बार में देख के आगे टिक मार के आगे चले। अब बच और ये ज्यादा ज्यादा आपके 1 घंटा लेंगे, सारे क्वेश्चन 1 घंटा लेंगे, इस तरह आप देखेंगे कि 1 घंटे में आप 50% पेपर कर चुके हैं। फिर उसके बाद जब आप दूसरा इटरेशन लेंगे तब आपके दिमाग में थोड़ा बर्डन नहीं रहेगा, क्यों? आपके पास करने के 2 घंटे हैं, पेपर आधा बचा हुआ है, आपके अंदर मोरल आएगा कि यार आधा कर दिया मैंने और ये मेरा ऑलमोस्ट 100% सही है, अब बचा हुआ जो मार्क आपने पहले किए थे अब आपको उनके साथ इसी तरह करना है, तो इस तरह आपको लेकर चलना है। हाँ अच्छा, अब एक बात आती है कि आपको रफ काम कैसे करना है। देखिए जनरली जब आप अभी टेस्ट देते होंगे तो आप कॉपी लेके बैठते होंगे अपने साथ, नोटबुक लेके बैठते होंगे, नोटबुक के पेजेस होते हैं इतने बड़े, ठीक है, इतने बड़ा जनरली साइज होता है नोटबुक का, आप उसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन गेट के एग्जाम में आपको इतनी बड़ी नोटबुक नहीं मिलती, आपको एक छोटा सा इतना स्क्रबल पैड मिलता है, इतना साइज का होता है वो, और उसके अंदर करीब करीब 11-12 शायद 20-22 पेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं आगे पीछे मिला के। तो अब आपको इतने से पेज के अंदर अपनी कैलकुलेशंस भी करनी है, अपना पेपर सोल्व करना है और अच्छे से करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोल्व करते जा रहे हैं, पेपर आपके वेस्ट हो गए, खत्म हो गई आपकी स्क्रैबल बुक, और आपको नई स्क्रैबल बुक गेट देता भी नहीं है, प्रोवाइड भी नहीं करता है, हर स्टूडेंट के लिए एक स्क्रैबल बुक होती है, तो फिर आप ये कहते हैं कि यार मुझे अब आगे क्वेश्चन सोल्व करने में कहां करूं जो मेरे पास स्पेस नहीं बचा। तो अब आप टेस्ट दे रहे हैं तो इस चीज का प्रैक्टिस लेकर चले कि आप ना अपना फॉन्ट जो भी आप लिखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए वो छोटा रखें ताकि वो आपकी कम से कम जगह ले, ठीक है। तो जितनी कम जगह लेगा उतना ही आपको आदत पड़ जाएगी मेन एग्जाम में कम कम स्पेस यूज करने की, क्योंकि जितना कम स्पेस आप यूज करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी वो स्क्रैबल बुक आपके लिए सफिशियंट हो जाएगी। कम लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी छोड़ देने हैं, दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है फॉन्ट छोटा रखिए, क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो थोड़ा छोटा लिखिए ताकि सेम पेज में आपका काम चल जाए। अच्छा एक चीज हो, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पहले एक बार इजी करिए, फिर दोबारा रिट्रीट करके आइए, और फिर मीडियम वाली कीजिए, फिर दोबारा रिट्रीट करके आइए, और टफ वाला कीजिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से कीजिए। इसमें आप एक चीज और करके देख सकते हैं कि आप ये नंबर वाइज क्वेश्चन में भी कर सकते हैं कि यार मैं पहले ना 1 नंबर के क्वेश्चंस के साथ ऐसा करूंगा, फिर मैं 2 नंबर के क्वेश्चंस के साथ ऐसा करूंगा, तो आप इस तरह की भी इस स्ट्रेटेजी में तो आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके देख सकते हैं। हाँ एक चीज हो रही थी जो मेरे दिमाग में भी याद आई, वो ये था कि मान लीजिए आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप अपनी नोट पैड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपसे कुछ सिली मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, हो सकती है मान लीजिए कहीं पे आपको कुछ भी 2n-1 लिखना था और आपने 2n लिख के और अपना कैलकुलेशन कर दी और आपके वो गलती हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप स्क्रैबल बुक को ऐसे रफ कॉपी की तरह यूज करेंगे ना, रफ शीट की तरह यूज करेंगे, तो जब आप रिट्रीट करके आएंगे ना वहां आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने वो चीज कहाँ लिखी थी। तो एक चीज की और आदत डालिए कि जहां पे भी आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है उससे पहले उसका नंबर लिख दीजिए, जैसे कि एक में क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इस चीज में आपके हार्डली 5 सेकंड गिर जाएंगे, लेकिन इस चीज से आपको ये जब आप वापस रिएक्टेट करके आएंगे ना तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा था बाद में कि यार मेरा क्वेश्चन नंबर 13 शायद मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं है, मुझे शायद गलत हो सकता है, तो अब आप उसका रफ वर्क जाएंगे ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे जा सकते हैं, ये आपका टाइम बचा देगा, ये आपके 5 सेकंड आपका बहुत टाइम बचा देगा उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ढूंढने में। एक तो इससे ये फायदा है कि आपको स्टार्टिंग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सोल्व किया हुआ है, आपको बस थोरो आउट उसको चेक करना है कि यार मेरे से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई थी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो या कुछ हो गई हो, क्योंकि मेन बात क्या होती है माइंड साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि आपने पहले क्वेश्चन पर दिमाग लगाया, अगर आपसे गलती भी हो गई ना आप उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे उस टाइम,
आपके लिए वो ठीक है क्योंकि आपने उसमें बिल्कुल जस्ट उसी टाइम टाइम लगाया है, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन करने के बाद वापस उस क्वेश्चन पे आएंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेश हो चुका होगा उस टाइम तक, तो आप उसमें गलती अपनी ढूंढने के आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर आपसे कोई गलती हुई होगी ना तो आप उसको आराम से पकड़ लेंगे कि नहीं यार यहाँ तो ये नहीं ये होना था, फॉर्मूला तो ये था, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, अरे यार या मैंने 2 की जगह 8 लिख दिया या 2 की जगह 4 लिख दिया, तो आप उस चीज को आराम से पकड़ लेंगे और आराम से सोल्व कर पाएंगे। आपको एक स्टार्टिंग से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी कैलकुलेशन लिख रखी है क्वेश्चन नंबर के साथ, आप बस वहीं पर चेंज करेंगे और अपना कैलकुलेशन करके अपना मार्क्स लेके आएंगे, अपना आराम से काम चलेगा आपका। इस तरह मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका टाइम बहुत पेपर में बचा सकती है, ये चीजें बहुत हैं वो छोटी जो आपको किसी को भी लगता है कि अरे क्या इफेक्ट डालेंगे, पर ये सीरियसली ये बहुत इफेक्ट डालते हैं पेपर में। क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरा गेट का एग्जाम 3 घंटे का हुई होता सबका, मेरा गेट का एग्जाम हो गया था 2 घंटे 40 मिनट में, मेरे पास 20 मिनट बिल्कुल बच गए थे। उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा दोबारा देखा अपना कि हाँ कहाँ पे क्या गलती थी क्या नहीं थी और इस तरीके से भी था, तो मतलब सारी चीजें देखी मैंने, कुछ टफ क्वेश्चन भी थे जो नहीं होने थे और मैं देख के समझ गया था कि ये मैं इस पे चाहे 20 मिनट लगा लूँ चाहे आधा घंटा लगा लूँ चाहे 1 घंटा भी लगा लूँ ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं मुझसे, पता लग जाती है चीजें, तो उनको पे मैंने टाइम ही वेस्ट नहीं किया, मैं उन क्वेश्चनों को वापस देख रहा था जो मैंने सोल्व कर लिए थे कि यार इनमें तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गई। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ये चीजें आपको एकदम नहीं होंगी, धीरे धीरे टेस्ट देते देते साथ साथ होंगी, इन चीजों का प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी हैबिट में बनाइए, क्योंकि एक बार ये आपकी हैबिट में आ गई ना आप पेपर में भी इसी तरह काम करेंगे और ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट देंगी। तो बस कैसे टेस्ट सीरीज को करना है, हाँ, और टेस्ट देने के बाद एनालाइज जरूर कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, ये देखिए कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि गेट में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नोट 2 लिखा रहता है 2 की जगह और हम 2 मार के आ जाते हैं, इस तरह की छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक, इन चीजों पर अपना ध्यान रखिए क्योंकि ये चीज ना आपको नेगेटिव देके जाती है, खाली क्वेश्चन ही जाता आपका आपको नेगेटिव भी साथ देके जाएगा, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ये चीजें अभी एकदम नहीं पता लगती, जब रैंक आती है ना तब पता लगती है, तो इन चीजों का ध्यान दीजिए और बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसी ये है कि जो जिस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक होंगे और जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उस चैनल पे उसकी वीडियो ऊपर रैंक करती है, तो ये आपको भी बेनिफिट करेगा और जो आपके जैसे ही कोई और एस्पिरेंट्स होगा उसको भी बेनिफिट करेगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू।